दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आए हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। मसाला बीट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और यूनिक सी रेसिपी लेके आए हैं, जिसमें आप आम का स्वाद पूरे साल ले सकते हैं, है ना मज़ेदार। तो फिर देर के स्वाद की चले बनाएं। दोस्तों ये है तोता परी आम। जैसे कि आप इसके रंग रूप से देख ही रहे हैं, आप इसे इस तरह पहचान सकते हैं, क्योंकि ये लाल हैं और कहीं से ये हरा होता है और कई बार ये हरा और इस तरीके से लाल भी होता है। बहुत खूबसूरत लगता है और इसका टेस्ट खट्टा मीठा होता है। इसमें आप इसी का इस्तेमाल करें और किसी आम का इस्तेमाल ना करें। और देखिए ये एकदम से आप देखेंगे टाइट है, एकदम टाइट है, मुलायम नहीं है, तो आपको लेना ही नहीं है, बिल्कुल टाइट लेना है और जो पका हो वो लेना है, मुलायम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमने ली है 300 ग्राम चीनी, तो इसे हम छील के काट लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने इन्हें इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है स्लाइस में छीलने के बाद, और थोड़ा मोटा ही रहने दीजिएगा, पतला इसे ना काटें, क्योंकि जब ये सूखेगा तो ये और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा। दोस्तों मैंने सॉस पैन लिया है और इसमें हमने 1 लीटर पानी ले लिया, और इसमें हम ये डाल देते हैं अपने कटे हुए टुकड़े। लेकिन याद रखिएगा 3 मिनट का अलार्म लगाइए या घड़ी में देखिए, और सिर्फ 3 मिनट के लिए इसमें हमें इसे डालना है, उससे ज़्यादा देर के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे निकाल लेंगे। एक कांच का बाउल लिया, उसमें हमने चलनी रखी और इस तरीके से इसे आराम से धीमे से भी आप छान दें, जिससे कि आपके ऊपर छींटे भी ना। ये देखिए पानी हमने छान दिया है, एक दूसरे बाउल में इसको हमने इस तरीके से लौट दिया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम जो ये 300 ग्राम हमने चीनी ली थी उसको हम इस तरीके से डाल दें, और फिर बहुत हल्के हाथ से चाहें तो आप मिला दें और चाहें तो आप ना मिलाएं, ये आपके ऊपर है, मिला दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए इस तरह, और इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे 4.5 घंटे के लिए ऐसे ही। आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये देखने के में ही लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप मिला के रख दीजिएगा, और आप ये मत सोचिएगा कि इसमें बहुत सारी चीनी है, बाद में ये चीनी खुद ब खुद निकल जाएगी जब हम इसे वापस आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इसे हम ढक देते हैं और 4.5 घंटे बाद आपसे मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं कि चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, और इस जो जूस है चीनी का उसमें भी आम का पूरा फ्लेवर आ चुका है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये आम है उसमें इसका फ्लेवर ख़त्म हो चुका है, बल्कि ये और भी बढ़िया हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे इसमें से निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम इसे चलनी में निकाल लेंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा जूस है वो सारा हमारे बाउल में चला जाएगा और ये जो खापे हैं इनमें से जूस पूरी तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद हम ये दिखाएंगे आपको कि ये जो बचा हुआ सिरप है इसका शरबत कैसे बनाएं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में इस तरीके से इसको फैला देंगे कि इस तरह फैला के इस तरीके किसी महीन कपड़े से ऊपर से ढक के पंखे के हवा में पूरी रात के लिए इसे रख देंगे, और सुबह हम आपको इसे दिखाएंगे कैसा हो चुका है। चलिए तब तक हम आपको दिखाते हैं कि इससे हम कैसे शरबत बना के रखेंगे। देखिए पैन में हम इसको डाल देंगे जो ये सिरप है, और इसको बहुत अच्छे से उबाल लेंगे। देखिए उबल चुका है और गैस हमने कर दिया बंद, और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये जो फूड कलर है और एसेंस है आम का, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर और इसकी खुशबू भी आ जाती है। हालांकि जो आम का इसमें सिरप गया हुआ है पहले से ही, उससे भी बहुत बढ़िया सी महक आ जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया इसका कलर आ चुका है और ये बनके तैयार हो चुका है। आप इसे साफ़ सुथरी शीशी में भर के रख देंगे ठंडा होने के बाद। अब आप देखें जो हमने आपको कल दिखाया था, तो ये पूरी रात में इस तरीके से सूख गया। इसी तरह सूखने भी चाहिए दोस्तों, इससे ज़्यादा ना अपना सुखाएं। तो देखिए हमने इसे इस तरीके से इसमें भर के रख लिया है, इसकी लीड लगा देंगे और फ्रिज में आप इसे रख दीजिए, जब मन करे तब आप खाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमने सिरप शीशी में रख दिया है कांच की, और आप इसमें करके इस तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं। और मैंने इसमें मैंगो एसेंस का इस्तेमाल किया है,
तो दोस्तों एक लीटर में 4 ml ये डाला जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें बहुत ही बढ़िया सा मैंगो का फ्लेवर आ जाता है और ये बहुत ही अच्छा सा शरबत बनके तैयार होता है। तो दोस्तों बनाते हैं शरबत और इसमें हम डाल देते हैं ये थोड़ी सी बर्फ़ और ये हम इसमें डाल रहे हैं 4 चम्मच हमने लिया है ये सिरप और इसमें हम डालेंगे अब ठंडा पानी। तो आप देख रहे हैं इसमें कलर कितना सुंदर आया है और ये पीने में भी बहुत स्वाद लगता है। आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है अगर तो आप कोक है, स्प्राइट है, इन सब की ये छुट्टी कर देगा। तो आप घर में इन्हीं बच्चों को बना के पिलाएं और उनके स्वास्थ्य का भी इससे ख्याल हो जाता है। दोस्तों तैयार हो चुके ये मज़ेदार सी हमारी रेसिपी। तो हमने ये तैयार किया ड्राई मैंगो और इसके साथ इसका मैंगो सिरप और साथ में शरबत, तो जिसे आप गर्मियों में भी एंजॉय कर सकते हैं और गर्मियों के बाद भी। तो हमें पता है आपने इसको नहीं बनाया अभी तक, तो ट्राई करना तो बनता है दोस्तों। तो चलिए आप इसे बनाना शुरू कीजिए।